वेल तो ही गाइस, वेलकम टू द माय चैनल माय नेम इज पंकज। तो वेल, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेथ रॉलिंस वर्सेस एज के मैच के बारे में। ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग, अच्छा खासा बेस्ट मैच हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। वेल तो माय नेम इज नॉर्मी बाबा। वेल तो मैच तुम लोग को पता है, मैच कैसा हमें देखने को मिलेगा, एक बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल अच्छा खासा मैच हमें देखने को मिलेगा, जो कि ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा बेस्ट भी होगा, इंटरेस्टिंग भी होगा। सेथ रॉलिंस वर्सेस एज, मतलब ये एक ड्रीम मैच था बेसिकली। ये हमें समर स्लैम के अंदर देखने को मिल रहा है एंड ऑब्वियसली अच्छा खासा मैच हमें देखने को मिलेगा। रिजल्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस मैच का, क्योंकि एज मतलब पिछले कुछ पेपर व्यूज से, ठीक है ना, पेपर व्यूज से हारते आ रहे हैं, तो यहाँ पे भाई कैसे न कैसे करके तो एज को जीतना ही पड़ेगा। अगर नहीं जीतेंगे तो भाई मतलब बहुत ही बेकार लगेगा, फिर एज को उनकी लूजिंग स्ट्रीक बनती रहेगी। सो मैं नहीं चाहता ये सारी थिंग्स हमें देखने को मिले। वैसे एज मतलब जीत भी सकते हैं। सो वेल, नेक्स्ट वन थिंग की तरफ चलते, तो भाई क्या सेथ रॉलिंस नहीं जीतेंगे? भाई सेथ रॉलिंस के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी उनका भी सेम वही कंडीशन है, बस सिजारो से एक मैच जीत मतलब उनको हरा दिए थे थोड़ा। वेल अब देखते हैं भाई इधर पे हमें क्या देखने को मिलता है, क्या होता है या फिर नहीं होता है। मतलब बेसिकली ओवरऑल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला सब कुछ थिंग, जो कि मतलब इंटरेस्टिंग रहेगा वैसे भी देखना। तो भाई बेसिकली देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है मैच के अंदर। एंड बहुत ज़्यादा अच्छा खासा दोनों फिजिकल वर्क में, मतलब फिजिकल बहुत ज़्यादा अच्छे खासा लड़ लेंगे। एंड सो बेसिकली इसमें देखना ये भी इंटरेस्टिंग रहेगा कि मैच का मतलब कैसा सिक्वेंस हमें देखने को मिलता है। सो देखते हैं भाई क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है। वैसे आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वेल अब वीडियो पसंद आए तो लाइक डिसलाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है कर सकते हो। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बाय बाय, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि चैनल है, इंपॉर्टेंट ये है तो कि तुम सब्सक्राइब कर रहे हो, इसके लिए थैंक यू भाई। हर समय की मार है या मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेस को इसने आरकेओ था लगाया।